जी साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आज यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में आए हैं। सबसे पहले आज NSUI का 53वां स्थापना दिवस है, तो मैं सभी नौजवान साथियों को जो NSUI में काम कर रहे हैं या करते रहे हैं उन सभी लोगों को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आज उनके स्थापना दिवस पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2013 दिसंबर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हम चुनाव हार गए थे। उसके पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था और अध्यक्ष बनने के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा। इस कार्यकाल में सरकार वसुंधरा जी की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज़ थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आखिर रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने, और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था ना आज सहमत हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी, उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए, उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भू माफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 90P को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचाए चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएँ दी थी जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में, जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को, उसका मुझे जवाब नहीं मिला तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी, उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आप में लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया, तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2013 के चुनाव में, 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है तो हम लोग पब्लिक में जाएं,
उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। आप जानते हैं कि भारत सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये पूरा देश जानता है, इस बात को संपूर्ण विपक्ष बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में। और 95% जो छापे, नोटिस, कार्रवाई हो रही है ईडी के माध्यम से, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है। इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां न्यायालय तक भी गई हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रही है। अब फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो यंग इंडियंस का केस है, और मुकदमों में, केसों पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिसेस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं, और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज़्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूँ कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक माथुर आयोग का गठन किया था, लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उसमें कोई लीगल कमियां रह गई थी, और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से, हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहाँ पर हो रही है। और वसुंधरा जी का कार्यकाल, हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था, और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को अभी देता हूँ। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। अभी चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, इसका जवाब हमें मिला नहीं, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोप हमने लगाया था सरकार के ऊपर, और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया, और ललित मोदी कांड हुआ था उस समय, हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, सीएजी के पास गए, सीबीसी के पास गए, और तमाम एजेंसीज को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है, और ये दो चिट्ठियां हैं जो मैंने लिखी थी गहलोत जी को 2022 में मार्च में और नवंबर के अंदर, इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सब हम एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है जो इकट्ठा किया था, जो पब्लिक डोमेन में हमने बातें करी थी, मैं चाहता हूँ उसको आप जरा प्ले करना।